क्वेश्चन नंबर थ्री एनीवन? फिफ्थ का मुझे आइडिया नहीं है वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग वो क्या है, तो अपन फाइंड द टेंथ टर्म मान लेते उस चीज को, ठीक है ना। तो देखो मेरा ए टेन क्या होना चाहिए, वैसे वो एस टेन माइनस एस नाइन होना चाहिए, याद है तुम लोगों को? सिंपल सा, वही एस टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकाल लो, एस नाइन की वैल्यू निकाल लो। समझे चीज क्या हुआ है, रोकड़े एक बार कर लो फट से वाला। फिफ्थ तुमको विजिबल नहीं था, तुम कह रहे हो क्या था, चलो फाइंड द टेंथ टर्म, मुझे भी नहीं दिख रहा हो क्या है ऑब्वियसली, तो मान लो फाइंड द टेंथ टर्म है वो, और फिर ट्राई कर लो उसको। टेंथ मुझे नहीं पता, अच्छा ए टेन निकालना था, एस टेन माइनस एस नाइन रहता था ना बेटा, तो तुमको एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एस टेन माइनस एस नाइन कर ले, समझा कर रोक रहे हैं। हाँ पहले टेन डाल तो एस टेन निकलेगा, फिर नाइन डाल तो एस नाइन निकलेगा। हो गया बच्चा, क्या रहा है बेटा आंसर इसका? एस टेन की वाली कितनी आई है हमारी, और एस नाइन की सप्लाट करोगे जो भी आ रहा है तुम्हारे इससे, ठीक है ना, 55 आ रहा है मोटर। अब देखो इट वॉज नॉट बीन गिवन टू यू एज होमवर्क, बट क्वेश्चन नंबर 12th एक बार पढ़ो। शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP। तो देखो आपको कभी भी सीक्वेंस को AP दिखाना है तो A1, A2, A3 तीन टर्म्स आप लोग निकाल लो। तुम जैसे तीन टर्म्स निकाल लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो हाँ वो AP है। तो S1 से तुम A1 निकाल दो, S2 माइनस S1 करके तुम लोग A2 निकाल दो, S3 माइनस S2 करके तुम लोग A3 निकाल दो, फिर देख लो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, अगर है तो बढ़िया। तब देखो ऐसे समय मैं क्या करता था ना, पहले S1 अलग से निकाल दिया, S2 अलग से निकाल दिया,
एस थ्री अलग से निकाल दिया, तो ए वन ए टू ए थ्री निकालना आसान हो जाता, वरना आप ए टू के लिए एस टू माइनस एस वन, तो एस टू निकाल रहे हो, एस वन निकाल रहे हो, वहीं की वहीं एक ही इसमें लाइन में कर रहे हो, मुझे लग रहा है रिपीटेड काम बेवजह बढ़ रहा है वो। तो आप लोग पहले एस वन निकाल दो, फिर एस टू निकाल दो, फिर एस थ्री निकाल दो, फिर ए वन तो एस वन के बराबर होता है, ए टू होता है एस टू माइनस एस वन, ए थ्री होता है एस थ्री माइनस एस टू, किसका कदम याद रखे, तो अपना ए पी है नहीं है, हमें पता चल जाएगा उस चीज़ का। मैं एक बार के लिए सिर्फ एस फाइव निकाल कर दिखा रहा हूँ, एस फाइव की ज़रूरत है नहीं, बट चलो ऐसे मैं एस फाइव निकाल के दिखा रहा हूँ। तो बेटा एस फाइव में याद करके एन की जगह पे फाइव डालना है, पी और क्यू ही रह जाएंगे, तो पी इंटू फाइव प्लस क्यू इंटू फाइव का स्क्वायर, इट इज बिकमिंग फाइव प्ली पी प्लस 25 क्यू, ठीक है ना। चलो ट्राई करो फट से, हाँ बेटा यस। तो तुम लोग जब कर रहे हो, मैं साइमल्टेनियसली मैं भी कर ले रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर क्या था? देखो मेरा ए वन आ रहा है पी प्लस क्यू, ए टू आ रहा है पी प्लस थ्री क्यू, ए थ्री आ रहा है मेरा पी प्लस फाइव क्यू,
अब मैं निकाल रहा हूँ, सॉरी ए टू माइनस ए वन की वैल्यू कितनी आ रही है वो देख रहा हूँ कि ए थ्री माइनस ए टू के बराबर है या नहीं है, मुझे से ए पी प्रूव करना है। मतलब ए टू माइनस ए वन पी प्लस थ्री क्यू माइनस पी प्लस क्यू इज बिकमिंग टू क्यू, फिर ए थ्री माइनस ए टू इज बिकमिंग पी प्लस फाइव क्यू माइनस पी प्लस थ्री क्यू विच इज अगेन टू क्यू। फिर मैं लिखूंगा सिंस ए थ्री माइनस ए टू या कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, सिंस डी इज कॉन्स्टेंट इट इज ए पी। समझा ये चीज? तो अगर आप लोगों ने सिर्फ टर्म्स निकाल के छोड़ दिया था उसको ए पी भी प्रूफ कीजिए। बढ़ सकते हैं आगे? इसका कौन सा क्वेश्चन दिया गया था आपको? हाँ होमवर्क के बस इतना ही था होमवर्क, ट्वेल्थ था ही नहीं। अब कौन सा होमवर्क था और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर एटीन था। एटीन में किसी को डाउट है? नाइनटीन में किसी को डाउट है? एटीन का आंसर बच्चा है सिक्स और ट्वेल्थ। नाइनटीन का आंसर है ज़ीरो। और क्या पूछा गया तुम्हारे को? 28 टू 30 भी था, तूने की नहीं क्या छोटी? हाँ 28 एनीवन देख लो, 28 का आंसर आ रहा है बेटा 79 और जितने भी जीरो थे गलत है, वो 79 लाख आ रहा है वो। समझाऊ एक बार अटेम्प्ट कर दिए रोक रहे, चल एक बार ट्राई कर ले। तो देखो पीडीएफ भी तो भेजा था मैंने ग्रुप पे हीरो। ये 3 लाख है, ये 10,000 है। ओके अच्छा मान मान तेरे घर वाले तुझे ना गल्ले पे तो बैठने ही देंगे रोके, कसम से बता तेरे को मैं। वही बैठने भी नहीं देंगे बेटा, तू मांग भी लेगी ना तो भैया मैं दुकान के गल्ले पे बैठती हूँ, मना कर देंगे तेरे को। आ गया आंसर? That was 28 ना। हाँ 29th का आंसर देख लो बच्चा लोग, 16,000। है बेटा 29th का आंसर। 29th ठीक है। 30th का आंसर है 1,400 ठीक है। अब चलो अपन लोगों ने क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो किए थे 32 तक कहते, सॉरी मैं बात 30 तक के दिमाग मेरा पता नहीं क्यों। 31 का आंसर है फर्स्ट वाले का 8,080 ठीक है देखते हैं, और उसका 83,520
बहाना तो अच्छा दे कम से कम रोकड़े यार। देखो अब 30 सेकंड देख ले, 5,000 क्या? हाँ है। हाँ अपने एग्जाम्पल्स में से कौन सा एग्जाम्पल किया था जस्ट अपन लोगों ने लास्ट में? 16th वाला जस्ट किया था ना। 17th अपना हो चुका था, 18th अपना हो चुका था, 19th अपना हो चुका था, 20th, 21st अभी भी रुक जाओ। अब 22nd पे आते हैं। कोई सर कोई पैर का नहीं क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, सर हम तो फर्स्ट टर्म को ये मानते थे ना, अपन कैपिटल ए मान लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज सी, ये कुछ भी प्रूफ करना है ठीक है। तो देखो पहले तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज सी, फाइन। और मुझे क्या बोला गया, कुछ तो भी उनको प्रूफ करना है, तब बाद में देखते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी कॉमन डिफरेंस बी, ठीक है। तब देखो ये सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज पी बाय टू, टू ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी हो जाएगा मेरा, मेरा सम ऑफ जो कि ए के बराबर है ठीक है। मेरा सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी जो कि बी के बराबर है। सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स हो जाएगा आर बाय टू, टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी जो कि सी के बराबर है। चलो अब मुझे क्या प्रूव करना है, ए बाय पी क्यू माइनस आर, उसका एल एच एस लिख दूंगा मैं, ए बाय पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाय क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर पी माइनस क्यू, आई थिंक सो। नहीं ये आर माइनस पी और ये पी माइनस क्यू, हाँ सही है ठीक है। अब चलो अब जो वैल्यूज पता है वो डालते हैं अपन लोग, फाइन। देखो ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है ये है, तो पी बाय टू, टू ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी ठीक है, द होल अपॉन पी। और ये इसके साथ ही साथ में ये हो गया ए बाई पी की वैल्यू, दैट इन टू क्यू माइनस आर प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी, ये अपॉन क्यू बोला गया था, इन टू आर माइनस पी प्लस सी की वैल्यू क्या है, आर बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी द होल ओवर, ये आर दिया गया है और ये p माइनस क्यू तो है ही, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो ये p इससे कट रहा है, ये q इससे कट रहा है, ये r इससे कट रहा है, और डिनोमेटर पूरे सब के सब इसमें डिनोमेटर में 2 आ रहा है मेरा, तो पूरा कटा नहीं बेटा, ये 2 और ये 2 नहीं कटेगा ना, यहाँ पे बीच में प्लस है ना ठीक है। अब देखो अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, 2a टाइम्स q माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर टाइम्स डी ठीक है, प्लस 2a टाइम्स r माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी टाइम्स डी प्लस 2a टाइम्स p माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू टाइम्स डी। तब इनको सबको खोलना पड़ेगा क्या? तो नहीं, अब देखो तुम स्मार्टली अगर ना यहाँ से 2a 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 कॉमन निकालते हो तो क्या बच रहा है, वो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू बच रहा है प्लस। अब इन सब में से अगर मैं d कॉमन निकाल रहा हूँ ठीक है, तो बच रहा है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू द होल अपॉन टू, फाइन। अब देखो प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, वो तो कट गया तो जीरो हो चुका है मेरा, अब यही बच रहा है। तो देखो डी तो था ही, अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, पी क्यू माइनस पी आर माइनस
क्यू प्लस आर प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर या आर पी जो भी लिख रहे हो माइनस आर क्यू या क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। देखो अभी प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू तो कट गया, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू भी कट गया है, तो आंसर जीरो के बराबर आ गया। वो इतने दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं था बच्चा लोग इसके अंदर, क्यों बना था क्वेश्चन नो आईडिया, करना तो पड़ेगा सॉल्व हम लोगों को। समझाई चीज क्या है सुनो एक बार के लिए ध्यान से, ये देखो ये पी और पी कट रहा है ध्यान रखना, वैसे क्यू क्यू आ रहा है, ये जब आप करोगे डिस्क्रिप्टिव तो ये क्यू माइनस आर इसको भी मिलेगा, क्यू माइनस आर इसको भी मिलेगा, ढंग से लिखना उन चीज़ों को, ठीक है। तुम्हारे रजिस्टर में हो सकता है तुमको दो लाइन लग जाए, पहले एक ही लाइन में ना आए कोई बात नहीं, पर थोड़ा क्लियरली लिखना चीज़ों को, नहीं तो ढूंढने में चीज़ें थोड़ा इशू आएगा। और फिर हाँ ये वाली बेटा देख, ये तो कुछ भी नहीं, ये इंटू ये किया तो ये बन गया, अब ये इंटू ये किया तो ये बन गया, वैसे सब जगह किया मैंने, अब उसके नीचे ही लाइन ज़्यादा अच्छी है। ये टू ए टू ए टू ए तीनों टर्म्स ने कॉमन निकाला तो वो निकाला, और डी 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 निकाला, टू ए वाला तो जो ब्रैकेट बना था तो फट से जीरो हो गया, जो डी वाला था उसमें डिस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी लगाना पड़ा, फिर काटा पीटी हुई तब वो जीरो बना।
हो गया गाइस, बढ़ सकते हैं आगे। चलो दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 22, 23 से 24, 25 हो चुका है। हाँ अब देखो, अब ना अपन लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं वैसे आ रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स एंड एम माइनस एन टर्म्स आर इक्वल टू ट्वाइस द, अरे यार एक बार एक सेकंड रुक जाओ, ट्वाइस द एम एच टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना, फाइन। तो कुछ नहीं, क्या करोगे तुम लोग, पहले तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एम प्लस एन, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ए एम माइनस एन। जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कुछ ये ऐसा आंसर आ रहा है, तो टू कॉमन निकलेगा उसमें, ए प्लस एम माइनस वन टाइम्स डी, तो टू टाइम्स ए एम आ गया है। ट्राई करो, सिंपल सा, कुछ क्वेश्चन में है नहीं जान। शो दैट सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म यानी ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इज टू टाइम्स ए एम, आपको ये शो करना है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक ए पी होगा, उसका ए एम प्लस एनथ टर्म जो रहेगा यानी एम प्लस एनथ टर्म और एम माइनस एनथ टर्म, इन दोनों टर्म्स का अगर ऐड करूँगा तो जो टू टाइम्स एम एथ टर्म मिल जाएगा, समझा भी क्या? कुछ नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, दूसरी वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकंड, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी, ये ए प्लस ए तो टू ए हो जाएगा, यहाँ से d कॉमन निकलेगा, m प्लस एम टू एम प्लस एन माइनस एन कट जाएगा, माइनस टू टाइम्स d, टू ए प्लस ऐसे ए डी के लिख दिया, टू टाइम्स m माइनस वन डी, पूरे में से टू कॉमन निकलेगी, a प्लस एम माइनस वन टाइम्स d, विच विल बी टू टाइम्स a m, समझा क्या? थर्टीन, होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, होमवर्क अब भी लिख लो एक बार का, 22, 23.
हो गया, हो गया बेटा। अब देखो, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इफ इन एन एपी द एमथ टर्म इज एन एंड एनथ टर्म इज एन, तो चलो अपने को क्या दिया हुआ है, एमथ टर्म की वैल्यू एन है और एनथ टर्म की वैल्यू एम दी गई है। लेट द फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल डी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन टाइम्स डी की वैल्यू एन के बराबर दी गई है, ठीक है ना। और ए एन क्या दिया गया मुझे, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी जो कि एम के बराबर दी गई है। अब मुझे यहाँ से ए पता नहीं है और डी पता नहीं है, दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन मैं निकाल सकता था। तो याद है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, माइनस ए प्लस था माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गया, ये बन जाएगा एम माइनस वन डी माइनस ऑफ एन माइनस वन डी इज एन माइनस एम, यहाँ से डी कॉमन निकला, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा बेटा एन माइनस एम, ये और ये कट गया, तो डी टाइम्स एम माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस एम हो रहा है, तो डी इज एन माइनस एम अपॉन एम माइनस एन, ये माइनस वन होता है पता है क्या तुम लोगों को, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, जिनको नहीं पता है तो देखो ये ऊपर से मैंने अगर माइनस वन कॉमन निकाल दिया तो एन माइनस एम अपने आप एम माइनस एन बन जाएगा कटा, और ये तो एम माइनस एन था ही, कटा कटा माइनस वन हो गया। जैसे डी की वैल्यू माइनस वन आ गई है, अब वो वैल्यू मैं मे बी फर्स्ट इक्वेशन डाल रहा हूँ, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एन, तो ए माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी एम प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू मेरी माइनस वन के बराबर चली रही है। कोई इशू यहाँ पे किसी को, अब मेरे को क्या पूछा गया है उसके अंदर, पी एथ टर्म बता दो, तो मेरा ए पी क्या जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी जगह एम प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन, तो एम प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन, तो एम प्लस एन माइनस पी हो गया, ठीक है। और फिर वो मुझे बोल रहा है आप एम प्लस एन एथ टर्म भी बता दो, देखो ये ए एम प्लस एन क्या जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ए की वैल्यू क्या थी मेरी, एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन है, तो एम प्लस एन माइनस वन माइनस एम माइनस एन प्लस वन, जीरो आ गया, ख़त्म। समझे जी क्या हुई है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्राई करो इसको।
माइनस वन भी ना, आप लोगों का होमवर्क बताया हुआ है करेक्ट, प्लीज होमवर्क करके आइएगा कल सेम टाइम, कल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, सिंपलर है ना और इजी भी है, मज़ेदार भी है, एक ही तरीके के है, फटपट पट हो जाएंगे वाले। फिर अपन लोग नेक्स्ट सेशन में एक बहुत बोर डिफिकल्ट तो नहीं पर बोर वाले पैटर्न करेंगे, ठीक है। तो जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट इवेंट।